भाभी जी घर पर हैं के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी आप डाउनलोड करें। चौबे जी, आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं छतरियों के, आप तो कोई भी छतरी बेच देंगे। आप एक काम कीजिए, मेरी छतरियां वापस ले लीजिए, प्लीज प्लीज। विभूति जी, ऐसा है कि मेरी जो छतरियां हैं ना, वो मेरी बच्चियों की तरह हैं, और जब मैं उन्हें किसी को दे देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने उनकी शादी कर दी है। अब शादी हो जाने के बाद में कौन पिता अपनी छतरियों को वापस लाता है बताइए, और फिर उन्हें दूसरे ससुराल में भेजता है। अगर छतरियां आपकी बेटियां हैं, उस हिसाब से मैं आपका दामाद हुआ, दामाद की इतनी बात नहीं मानेंगे। अच्छा सुनिए, मैं ना आपको पर छतरी 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, ओके? क्या बोलते हैं, मैं घाटा खाऊंगा 10 रुपए का पर छतरी। विभूति जी, आप एक बाप के इमोशन के साथ में नहीं खेल सकते, और मुझे अपनी बच्चियां वापस नहीं कर सकते आप। जी क्या भाई, बातें कर रहे हैं आप, मैं आपको पर छतरी 10 रुपए का फायदा करा रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। विभूति जी, इस कानपुर में आप अकेले ही काया इंसान नहीं है। अरे मैंने भी वो खबर पढ़ ली है कि इस बार बारिश नहीं होने वाली और छतरियां बिकेंगी नहीं, आप भी मुझे इसीलिए लौटा रहे हैं। अरे मैं कोई पागल हूँ जो घाटा खाऊंगा? आपको आपकी मम्मी की कसम। अरे मम्मी को तो ऊपर गए 10 साल हो गए। बीवी की कसम। बीवी की कसम? अरे अब तो मैं ये कसम पक्का तोड़ूंगा। अरे मैं तो सोच ही रहा था कि उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, मौका मिल गया मुझे। हाँ? आप बहुत बड़े कुत्ते कमीने हैं। अंगूरे, अरे गिलास पानी ले आओ भाई। अरे लड्डू के भैया, ये लीजिए। अब बताओ पैसे आए कि नहीं? देखो पगली, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें वो पैसे चाहिए। लड्डू के भैया बस थोड़ा रुक जाइए, अब पैसे रास्ते में ही हैं। कौन से रास्ते में है पगली? बोले ना, रास्ते में है। तो कहाँ तक पहुँचे, कुछ तो बोलो। उन्हें ही पता कहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब किसी ना किसी रास्ते में जरूर हैं। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? हाँ, तुम्हें पता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, हमें जल्द से जल्द वो पैसे चाहिए। हाँ तो बताए थे ना आपको कि डाइजेस्ट किए हैं। डाइजेस्ट मतलब हजम कर गई? तो शायद इन्वेस्ट करना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, तो बोले थे ना कि वो लगा दिए हैं पैसे और उनके बहुत सारे मिलेंगे 2-2 लाख के। बहुत सारी मतलब बहुत सारे कितने? वो कहा है कि हम अपने पार्टनर से बात किए रहे, तो वो हमको बताए कि 2-2 लाख 70 के बराबर हो गया है। मतलब 2 दिन में 70 लाख? 70 रुपए। बड़ी पार्टियां शार्टियां हो रही हैं, चिकन लॉलीपॉप शॉलीपॉप एंड ऑल। लगता धंधा अच्छा हुआ है। मालिक मालिक, ये सब कुछ आपकी दया से हुआ हुआ। okay. मालिक, आपने हम पे भरोसा करो, आपने हमें काम दिया हुआ है, ये उपकार कभी ना भूलेंगे मालिक। भैया बेटा मुट्ठी कर ले, मुट्ठी कर ले बेटा। भैया आपने हमें इस लायक समझा, बस यही हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और हमने करके दिखाया। उसी का तो सेलिब्रेशन हो रहा है सेठ जी, दिख रहा है मुझे। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, इस दारू पे पहले घोट का और इस मुर्गे पे पहले दांत गाड़ने का सिर्फ आप ही का है। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। नहीं भैया नहीं, आपको जब मुर्गे पे दांत गाड़ने पड़ेगा नहीं तो हम दांत गाड़ देंगे आप पर। मतलब है आपको जो पीनी पड़ेगी भैया। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, एम्प्लॉयज के साथ बैठ के बॉस का दारू पीना या खाना खाना एथिकली रॉन्ग है। अगर तुम लोग आज मुझे दारू पिला दोगे और कल को मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे, तो कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अंडरस्टैंड? बना बेटा ऐसा है जेठ जी, हम जिस ताली में खाते उसमें छेद ना करते। आप आराम से दारू डकारो, हम नौकर और मालिक के बीच का फर्क अच्छी तरह से समझते हैं। आप हमारे दोस्त थोड़े ना। भाभी जी घर पर हैं के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी आप डाउनलोड करें।